अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त आरपीएस किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। मैं आपके लिए लेके आई हूं आज बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो कि मेरे बेटे मोहम्मद जवार ने बनाया है। ये अपने पापा के साथ क्या हुआ था पेरिस घूमने के लिए, तो यहाँ ये शांज़ेलीज़े से एक बस जिसका नाम है टुक टुक, उसमें ये बैठे हैं और टुक टुक बस जो है ना पूरे पेरिस का सैर करवाती है। उन्होंने पूरा पेरिस ही घूमा है। मजे की बात यह है कि मुझे 8 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए, तो पेरिस नहीं घूमी ना ही मैं एफिल टावर गई हूँ। मेरा बेटा जैसे जा रहा है एफिल टावर भी देखेगा और घूमेगा, तो टुक टुक बस में बैठे हुए हैं ये। और देखें माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, खजां आ रही है, सर्दी आस्ता आस्ता पड़ रही है। तो ये यहाँ पे आए हैं, एक मेरा ख्याल म्यूजियम है या कोई चर्च है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ आर्ट बने हुए हैं, मेरा ख्याल है ये म्यूजियम ही है। तो यहाँ पे ये आए हैं, बहुत ही प्यारी सी जगह है। तो फ्रेंड हमारे साथ जो न्यू जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ आर्ट के नमूने आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही प्यारे से। तो इसने अपने पापा को भी कहा कि मैं खुद शूट करूँगा, तो टेढ़ा मेढ़ा कैमरा रख देता था, लेकिन मैंने ये वीडियो इसकी यादगार के लिए अपलोड की है। तो फ्रेंड आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये मेरे बेटे का ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और देखें आपके म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम ही है बहुत ही मशहूर मरूफ पेरिस का। इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी पेरिस तो आपको के लिए बहुत ही अच्छी सी साइज़ का व्लॉग बना के लाऊँगी। अभी आपको ये हम ट्रायल दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और बेल का आइकन लाजमी दबाया करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन देखने को मिले। तो ये देखें जी, यहाँ इन्होंने म्यूजियम में देखा सारा कुछ। ये एक वीक से मेरा बेटा शोर कर रहा था, पापा मैंने पेरिस जाना है, मैंने पेरिस जाना है। किसी दोस्त ने इसको कह दिया कि मैं पेरिस गया था, पेरिस तो बहुत खूबसूरत है, ये पेरिस जाता रहा लेकिन बहुत छोटा था उस वक्त। फिर बस इसने कहा आज मैंने जाना है, फिर पापा इसके ले गए हैं। ये देखें यहाँ पे फिर ये क्या है, एफिल टावर जो के फ्रांस के वो क्या कहते हैं ना कि एक पहचान है पेरिस की, फ्रांस की। तो वहाँ से ये देखें इन्होंने एफिल टावर का एक खिलौना टाइप भी ख़रीदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइटें भी जलती हैं, कभी आपको वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये जनाब आए हैं और बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना, एफिल टावर को क्या देखा है, इनको यहाँ पर मिल गई ये जगह। ये देख लें यहाँ पर ये इनकी कुर्तियाँ है, ये जी यहाँ पे खेलते रहे हैं। ये देखें याल है, किस किस को आप अपना बचपन याद आ रहा होगा ज़रूर बताइएगा। और ये देखें ऐसे सीधे, मुझे दिल नहीं किया ये वीडियो डिलीट करने का ना, तो ये देखें कैसे जा रहे हैं जनाब, थकते ही नहीं है। और सामने देखें एफिल टावर है, और अगर कोई बड़ा बंदा होता ना तो वो क्या कहता कि मैं जाके टावर के साथ ऐसे वीडियो बनाऊँ, वैसे वीडियो बनाओ, वैसे पिक्चर बनाओ। लेकिन ये जनाब इनको ना सूट गया या मिल गई है, और वो देखे लोगों के पाँव में जा रहे हैं गिर रहे हैं। माशाल्लाह से मोहम्मद जवाहर जो है ना बहुत ही शरारती है मेरे बेटे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और लंबी जिंदगी से तंदुरुस्ती के साथ अता फरमाए। ये बच्चे बड़े क्यूट होते हैं। और ये देखें कुर्तियाँ इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, अभी मैंने वीडियो इतनी तेज़ की है। फिर अच्छा जी ले देखे आखिर जी, कोशिश तो पापा इसकी कर रहे थे कि यहाँ से अब चले, लेकिन ना जी ना हमने नहीं जाना। और एफिल टावर का मंजर भी देखें, और यहाँ पे कुछ सीनरियाँ लगी हुई हैं ये इन्होंने यहाँ बेचने के लिए रखी हुई हैं। इनको फिर याद है देखे साथ वो लेके एफिल टावर भी लेके अगले कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए अपलोड की कि ये इसकी यादगार रहेगी ना, जब ये बड़ा होगा ना देखेगा। फिर ये वहाँ पे लगा हुआ था पियानो, तो ये जनाब जो है ना आ गए हैं मेरे ख्याल गार पे, स्टेशन पे आए हैं, वहाँ पे पियानो लगा हुआ था। और ये कोई अंकल जो है ना बजा रहे थे पियानो, तो ये उनके साथ लग गया, बड़ी जल्दी ही मिल जाता है वो। फिर जी इसने क्या किया कि ये जो ट्रेन में बैठा था, तो इसके पापा कहते हैं जी ट्रेन वाले ड्राइवर के साथ इसने कोई दोस्ती कर ली। फिर जी जनाब ने ट्रेन की चलाई, ट्रेन को कैसे चलाते हैं, मोहम्मद को सबसे ज़्यादा जो है ना ट्रेन पसंद है, ट्रेन में सफ़र करना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद, जितना मर्जी सफ़र ट्रेन में कर ले ये उकताता नहीं है।
पियानो के बाद जीते देखे, ये ट्रेन में जाके वहाँ ड्राइवर के साथ अलग किया है, नहीं बैठने देते, तो ये जाके उसके साथ बैठा है। तो फ्रेंड्स जरूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। एंटरटेनमेंट के लिए मैं कभी कभी व्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग बोर ना होंगे यार भी सिर्फ रेसिपी अपलोड करती रहती है या गार्डन की वीडियो, तो मैं आपको साथ साथ हमारी एक्टिविटी, बच्चों की एक्टिविटी भी साथ साथ दिखाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है ना। ये फिर जी मेरा हालांकि चर्च भी है यहाँ पे, ये वहाँ भी गए थे। खैर फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद मैं आपके लिए कैसी कैसी वीडियो बनाऊँ, और कौन सी रेसिपी बनाया करूँ, कौन सा व्लॉग बनाया करूँ। साथ रहिए और हंसते मुस्कुराते रहें, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, वीडियो आपने पूरी देखनी है, मैं अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ, वीडियो तो चल रही है, वीडियो अभी बाकी है।